जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव में जो राजनीति हमें देखने को मिली, या अब लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद की राजनीति देखें, तो आप इस राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं, ये सवाल हम आपसे भी पूछते हैं। लेकिन विपक्ष की अगर बात करें तो लगातार हंगामा जो वो विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी लगातार जब वो कटाक्ष करती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से इस समय बयान दिए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसकी बीजेपी की तरफ से लगातार निंदा की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बीजेपी ये कह रही है कि आखिर ये कैसी राजनीति है जो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता जंगवीर सिंह जी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं, जो इस समय विपक्ष की तरफ से जो वो तमाम जो चीजें जो वो दर्शाई जा रही हैं, खासतौर पर जो हिंदुओं को हिंसक कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से, इसको लेकर भी आज हम यहां से रिएक्शन लेंगे सांबा से। और उसी के साथ साथ जो लगातार एक इशू क्रिएट किया जा रहा है, जो चुनावों में भी हमें देखने को मिला कि संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, यानी संविधान की रक्षा करने को लेकर यहां पर बातें जो वो की गई हैं, तो इन तमाम इश्यूज के ऊपर आज हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है जंगवीर जी। तो क्या कहेंगे, जो बीजेपी लगातार जो वो कटाक्ष कर रही है विपक्ष के, ये तमाम जो बयान सामने आ रहे हैं, जो लगातार आपने देखा कि हिंदुओं को हिंसक कहने की बात राहुल गांधी ने कर दी, और उसको लेकर भी जमकर हंगामा किया जा रहा है। आज हिंदुओं के अंदर गुस्सा देखा जा रहा है कि हिंदू हिंसक नहीं है, सभ्य है, वो सनातन को आगे लेकर चलते हैं, वो सनातन की बात करते हैं, सनातन का प्रचार करते हैं, एक शांत स्वभाव का है हिंदू। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी क्या दर्शाती है कांग्रेस पार्टी की इस राजनीति को लेकर बात करें, क्या इसी तरह की राजनीति अब हमें आगे देखने को मिलती रहेंगी? नमस्कार ऋषि जी, आज आपने एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात छेड़ी है। बात ऐसे है कि हम जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, मैं समझता हूँ जितना ज्यादा संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, जो भुक्तभोगी हम हैं जम्मू कश्मीर के निवासी, उससे बड़ा कोई नहीं है। और उस गलती को जो हमारे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी संविधान के साथ छेड़छाड़ करके, उसकी दुरुस्ती भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को की। मैं समझता हूँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत, अखंड भारत का जो बुलंद नारा था हमारा, हमने पूरा किया, संविधान की रक्षा हमने की। और आज 1975 का जो 1975 की जो एमरजेंसी लगी थी, उसका तो पूरे दुनिया भर में सबूत है, अवेलेबल डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, जो लोग भुक्तभोगी हैं, जो लोग हमारे एमरजेंसी में जेल में रह के आए हैं, कई लोग तो पूरे दो दो साल रहे हैं, पत्रकार रहे हैं आपके, जो आपके जो चौथा स्तंभ होता है, वो अदालतें बैन रही, जो रेडियो टीवी टेलीकास्ट सारा कुछ जो है वो सेंसर हो गया था, और दो साल की लोकसभा का भी इन्होंने सेशन एक्सटेंड कर दिया। संविधान की जो हत्या है, इससे बड़ी क्या होनी है? और वो लोग किताब पकड़ कर लहराते हैं। और आपने एक बात बोली, चुनाव हुआ लोकसभा का 2024 का, इन्होंने चुनाव लड़ा जे 54 सीट से 52 सीट से 99 पे आए, लेकिन क्या बोल के आए? लोगों को झूठ बोल के गुमराह करके इन्होंने क्या कहा, संविधान खतरे में है, भाजपा 400 सीट के लिए आएगी तो आरक्षण खत्म करेगी। इससे बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता। जे लोग, मैं समझता हूँ पूरे भारत में, जे पूरे भारत में अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं, जे मैं कहता हूँ राहुल गांधी की, अगर मैं जो इस वक्त विपक्ष के नेता बने हुए हैं, जो मैं उनकी मानसिकता देख रहा हूँ जब से हम राजनीति में सक्रिय हैं, उनका 20 साल के कैरियर में, जो 20 साल से वो माननीय प्रधान मेंबर पार्लियामेंट है, तो माननीय सदस्य गिने जाते हैं, लेकिन उनकी सोच हिंदुस्तान की 80% जनसंख्या को, कभी वो हिंदू आतंकवाद का नाम देते हैं, कभी आज पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे हैं हिंदू हिंसक हैं, क्या बोलते हैं जी? कोई अगर सच में, अगर युवा पीढ़ी, जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, जिनके मुद्दे लेकर ये बात करते हैं, लेकिन अगर वो उनकी जो प्रेजेंस, जो हिंदुस्तान के नागरिक की जो पहचान है, अगर उस पर ही सवाली निशान लगा देंगे, तो बाकी हम कहाँ तरक्की करेंगे? मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी भारतवर्ष में जो भी अच्छा कार्य हो रहे हैं,
मुझे लगता है वो उनकी उनमें सहमति नहीं है और वो हिंदुस्तान को पीछे धकेलना चाहते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी पॉजिटिव मुद्दे को वो लेकर आगे की तरफ नहीं देखते हैं। मुझे लगता है ये उनमें एक बहुत बड़ा विकार आ गया है और उनको अपने आप में सुधार करना चाहिए। लेकिन मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि आखिर आज हमें इस दौर में राजनीति का ये कौन सा स्तर देखने को मिल रहा है? कहीं ना कहीं क्या आपको लग रहा है कि राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, इस तरह की जो राजनीति की जा रही है? ऋषि जी, अगर मैं आपके शब्दों को देखूं कि राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, राजनीति का स्तर तब गिरता है जब तर्क खत्म हो जाते हैं, जब सत्य को नहीं पहचान करेंगे। मैं कहता हूं कि मैं कांग्रेस आई के जो कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर देश आगे बढ़ेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वो देश को आगे बढ़ाएगी, क्या उनको कुछ नहीं होगी? क्या अगर वो देश की अगर किसी अगर नौजवान बच्चों के भविष्य के लिए काम करेगी, फौज के लिए काम करेगी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करेगी, क्या कांग्रेस आई के जो कार्यकर्ता वो कुछ नहीं होंगे? मुझे लगता है कि हमें ये दोनों बातें देखनी पड़ेगी कि भाई चाहते क्या हो तुम। हम सब मिलकर देश की तरक्की करना चाहते हैं। आप डेवलपमेंट के मुद्दे पे जाओ ना, आप देश के किसी मुद्दे को लेकर आगे आओ ना। आप लोग झूठ बोल के कब तक सर्वाइव करोगे? संविधान का झूठ उनका पकड़ा गया है, यानी एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा था, झूठ का नैरेटिव है, नहीं चलेगा। कोई भी मुल्क का जो नागरिक है, अगर आज वो कांग्रेस का समर्थक भी है, लेकिन जब झूठ की राजनीति का जब भंडाफोड़ होगा ना, तो वो कांग्रेस आई का समर्थक नहीं रहेगा। ये इनको समझना पड़ेगा बिल्कुल। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, आप हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, अपना कर्म करते नजर आ रहे हैं, तो फिर हिंदू हिंसक कैसे हो सकता है? हिंदू 80% की पॉपुलेशन गिनी जाती है हमारी, 100 करोड़ हिंदू है हिंदुस्तान में। लेकिन पिछले 75 साल से जब से देश आजाद हुआ है, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा माइनॉरिटी, कोई भी माइनॉरिटी है, सबसे ज्यादा लिबर्टी उनको है। और सबसे ज्यादा माइनॉरिटी जो अगर अगर उनकी जनसंख्या बड़ी है तो सबसे ज्यादा वो हिंदुस्तान में अच्छे ढंग से वो डेवलप कर रहे हैं और जनसंख्या उनकी बड़ी है। अगर वो 18% थे, आज 23% है। कोई अगर 0.5% था तो आज वो 1% है। और पूरे दुनिया के विश्व के जितने भी अल्पसंख्यक जो गिने जाते हैं, वो सब हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं और बहुत ही मनयोग से भारत का वो सहयोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये गलत मानसिक विकार है जिसको कांग्रेस आई के जो, मैं समझता हूँ सर्वोसर्व जो लीडर हैं, वो इसको एक बहुत ही एक अंतर्विरोध की तरह बात लेकर ऐसे भ्रम फैला रहे हैं। वो समाज को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं। मुद्दों को दिशाहीन किया जा रहा है, असल मुद्दों को दिशाहीन इसलिए किया जा रहा है कि उनसे पच नहीं रहा है कि हिंदुस्तान कैसे इतनी तरक्की कर गया है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूछा है लोकसभा में सवाल, उन्होंने भाई बताओ तो सही, आप सेना को अच्छा करने से क्यों रोक रहे हो? किसके कहने पे रोक रहे हो? किसका फायदा है जो आप रोक रहे हो? नौजवानों को भर्ती में रोकने के लिए आप भ्रम फैला रहे हो, किसको फायदा करना चाहते हो? झूठ बोल रहे हो और झूठ पकड़ा जा रहा है, फिर भी आप समझ नहीं रहे हो। ऐसे राजनीति नहीं चलेगी, भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट की दूरी पे चलती है बिल्कुल। लेकिन एक जो भ्रम की स्थिति इन्होंने बना दी कि संविधान खतरे में है, एक तरह प्रधानमंत्री मोदी जो वो संसद में आकर संविधान को जो है वो माथा टेक रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम जो सांसद है वो संविधान लेकर शपथ लेते नजर आ रहे हैं। ऋषि जी, अगर आप मोदी जी की बात करते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, जो कि इस वक्त देश के लिए अपना एक एक पल जो है वो खपा रहे हैं, मैं समझता हूँ इतना ज्यादा मेहनत करने वाला प्रधानमंत्री किसी पीढ़ी ने नहीं देखा होगा। जो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन के इन जो क्षण हैं, हम अपने क्षणों को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में जब आए तो लोकसभा के जो संसद के हमारे मंदिर है उसकी सीढ़ियों पे साष्टा दंड प्रणाम किया, किसी प्रधानमंत्री ने किया होगा मुझे लगता है। और अंदर आते ही सबसे पहले संविधान को अपना माथा टेका और उन्होंने संकल्प लिया कि हमारा संविधान ही हमें प्रकाश दिखाता है, हमारा रास्ता दिखाने के लिए हमारा जो परम गुरु है वो हमारा संविधान है बिल्कुल। और संविधान की रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जो मैं वही तो कह रहा हूँ कि दो तस्वीरें देखने को मिली, जैसे प्रधानमंत्री जी ने माथा टेका, एक यहाँ से संकेत दे दिया कि ये हमारा संविधान है, इसकी रक्षा करना हमारा एक कर्तव्य है, लेकिन दूसरी तरफ एक अलग सा नैरेटिव बनाया गया संविधान को लेकर भी। ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। संविधान का जितना नुकसान, जितना संविधान को नुकसान पहुंचाया है, सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया है। उन्होंने संविधान को 1975 में जब एमरजेंसी लगाई तो पूरा देश को बंधक बनाया। उन्होंने जब सेकुलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द
चोरी से घुसाए, 35A जब 370 लगाई उसको बिना संसद के चर्चा किए बिना 35A लगा दी। इन्होंने बहुत सारा नुकसान किया है, शाहबानों के केस में भी तो इन्होंने संविधान का नुकसान किया। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस आई का मैं समझता हूँ जो चरित्र है ना, मूल चरित्र, वो देश विरोधी का चरित्र आ रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल उजागर हो जाएगा। बिल्कुल, और हम ये कह सकते हैं कि जो लोकसभा चुनाव हुआ 2024 का, तो ये संविधान की रक्षा के नाम पर ये चुनाव लड़ा गया कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस आई ने संविधान की रक्षा का खोखला नारा था, उन्होंने गरीब लोगों का नुकसान करने की मंशा से ये काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर दिए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब को संबल दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर दिए, गैस दी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको आयुष्मान कार्ड का दिया लाभ, पेंशन दी, क्योंकि गरीब को हमने संबल बनाना है, उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालना है। मुझे लगता है ये राहुल गांधी जी को ये पच नहीं रहा है और कांग्रेस आई पार्टी जो है वो जो देश की पार्टी के तौर पर जानी जाती थी वो अपनी दिशा भटक गई है। आज की दिशा में मुझे नहीं पता कौन सा रास्ता पकड़ रहे हैं, लेकिन ये देश हित में रास्ता नहीं है। यानी आखिर में मैं यही जानना चाहता था, आपने जवाब भी दिया है कि भटक गई है कांग्रेस पार्टी, तो ये राजनीति का कौन सा स्तर है जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिखाया जा रहा है? ये बहुत ही निचला स्तर है। जब तर्क खत्म हो जाते हैं ना तो तब अराजकता का माहौल बनता है। आप देखिए सड़क पे भी जब दो लोग लड़ते हैं, अगर किसी मुद्दे पे लड़ाई होगी तो वो कभी भी गाली गलौज नहीं करेंगे, लेकिन जब एक पक्ष गलत होगा वो दूसरे पक्ष को जब जवाब देना चाहेगा तो वो गाली से ही देगा। तो मुझे लगता है कि आज ऐसी स्थिति हो गई है कि जो कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं उनके पास उनका कोई जवाब नहीं है। देश आगे जा रहा है और देश हमारा विश्व गुरु बनने के रास्ते पे, और मोदी जी इसी तरह 2029 तक हम इसी दिशा में काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जंगवीर सिंह जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल था कि आखिर ये कांग्रेस की कैसी राजनीति है कि हिंदू को हिंसक कहा जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से, इस बयान की कड़ी निंदा की गई है, और हिंदू, हम हिंदू हैं, ये सब हिंदू हैं, अब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, हम सभ्य हैं, हम सनातन की बात करते हैं, लेकिन ये बयान कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा निंदनीय है जो बयान दिया गया, जिसको लेकर लगातार बीजेपी जो वो कटाक्ष कांग्रेस पार्टी के ऊपर करती आ रही है। और 2024 का ये जो लोकसभा चुनाव हुआ है तो उसमें संविधान की रक्षा को लेकर मुद्दा बनाया गया, उस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, ये कहना है बीजेपी का, और कहीं ना कहीं राह भटक गई है कांग्रेस पार्टी, जो इस तरह के बयानबाजी, जो इस तरह से राजनीति का वो स्तर दिखाते नजर आ रहे हैं, ये चिंताजनक विषय है। क्योंकि जिस तरह से लगातार विकास की बात की जा रही है, भारत देश हमारा विश्व गुरु बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो इस तरह से राजनीति दर्शाई जा रही है, की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय है जो हमारे देश के हित में नहीं है, जो बीजेपी लगातार जो कटाक्ष है ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर करती नजर आ रही है। तो ये है राजनीति को लेकर बात, जो कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से राजनीति करना शुरू की है उसको लेकर लगातार यहां पर जो वो काउंटर किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। लेकिन फिर कहूंगा कि हिंदू हिंसक नहीं है, सभ्य है, सनातन की बात करता है। फिलहाल ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।